प्रोविजन फॉर द सम सम ऑफ द स्टेट्स है, ये किसी किसी स्टेट्स के लिए, ठीक है, कुछ कुछ इशू है, हिस्टोरिकल इशू है, उसको शांत करने के लिए। फॉर एग्जांपल गुजरात में विदर्भ का, महाराष्ट्र में विदर्भ का, गुजरात में सौराष्ट्र का, ठीक है, तो ये सब का इशू है। नागालैंड में सिक्योरिटी का इशू हमेशा रहा है, तो उससे रिलेटेड वो प्रोविजन है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हैदराबाद बना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद वहां क्या लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ये बताओ वहां के गवर्नर को। तेलंगाना हैदराबाद का में जो लोग रह रहे हैं उनका लॉ एंड ऑर्डर एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड उनको स्पेशल पावर दिया गया है गवर्नर को, मेन जिम्मेवारी गवर्नर को दिया गया है, ठीक है। तो स्टेट्स के हाथ, क्योंकि उस पर हैदराबाद पे क्या है, दोनों का ये है, तो इसलिए आई थिंक आंध्र के गवर्नर को या किसी एक के गवर्नर को दिया गया है वो जिम्मेदारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, तो स्पेशल कंसिडरेशन के कारण है, ठीक है। तो वो जो तुम इससे पहले गवर्नर वाला जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक एक लाइन में लिखा हुआ था किस कारण से, महाराष्ट्र जैसे लिखा हुआ था विदर्भ का रीजन इसलिए क्योंकि बैकवर्ड है, ठीक है, गुजरात का सौराष्ट्र इसलिए क्योंकि वो भी उस वहां पे बैकवर्ड है, नागालैंड का इशू क्यों, क्योंकि वहां सेफ्टी सिक्योरिटी का है, तो उस तरह से दिया गया है। एज सच टू बी ऑनेस्ट अगर सारा प्रोविजन पढ़ के रखने लगोगे इट्स इम्पॉसिबल टू रीड, ठीक है, इतना ज्यादा है सबके लिए है, तुम नहीं पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ सकते, ठीक है, बट क्या है मोटा मोटी एक नागालैंड के केस में पढ़ लेना और गवर्नर को वहां स्पेशल पावर लॉ एंड ऑर्डर के केस में दिया गया, ठीक है, तो वो पढ़ लेना, बाकी तुम पढ़ के कोशिश करना, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब तुम याद कर ही नहीं सकते हो तुम सब। अगर कोई इश्यू बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है तब उसे स्टेक कर ले, मान लो अचानक से विदर्भ में बहुत झगड़ा होने लग गया कुछ एकदम उसके लिए रिवॉल्ट होने लगे, तो उस वक्त जो है महाराष्ट्र वाला प्रोविजन पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आ गया, अदरवाइज ना पढ़ो, मतलब पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो ये उस वक्त पढ़ लेते हैं। तो इसके साथ ये वाला भी चैप्टर तुम्हारा, ठीक है।